पीना के धातु का नाम पा, उसका रूप पिब चलता है, पिब वो धातु नहीं है, पा धातु है, पिब। ऐसे दौड़ने को क्या बोलते, धाव, धाव धातु है दौड़ने का। कूदने का क्या है, कुर्द धातु है, कुर्द। तो अब इसके अगर हमने एक याद कर लिया, एक, तो अब ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। अब देखो जैसे लिख का रूप याद करना होता तो लिखत, ये भाई यहां विसर्ग है, लिखत विसर्ग दीजिएगा, लिखत लिखता लिखन, लिखत लिखता लिखत, लिखान लिखावा लिखाना, यहां विसर्ग लगा। अब ऐसे पच धातु है, पचत, वहीं से मुंह खोल दो, पचति पचता पचंती, पचसि पचता पचत, पचाम पचावा पचामम। अब पिब पा धातु है, पिबति पिबता पिबंती, पिबसि पिबता पिबत, पिबाम पिबावा पिबामम। ऐसे धाव धावत धावतः धावन्ति, धावत धावतः धावत, धावाम धावावा धावामः। ऐसे कुर्द है, कुर्दति कुर्दता कुर्दन्ति, कुर्दस्य कुर्दता कुर्दत, कुर्दान कुर्दावा कुर्दामः। ऐसे कोई भी, जैसे सूंघने को क्या बोलते, जिघ, सूंघने को जिघ, जिघ। पूछने को पृच्छ, हां जैसे प्रश्न पूछता तो पृच्छ धातु है, पृच्छत पृच्छता पृच्छन्ति, पृच्छस पृच्छता पृच्छत, पृच्छान पृच्छावा पृच्छामः। ऐसे ही जिघ्रत जिघ्रता जिघ्रंत, जिघ्रत जिघ्रता जिघ्रत, जिघ्रान जिघ्रावा जिघ्रामः। तो मतलब हमको अगर एक धातु का रूप याद आ जाए तो उस प्रकार से हमें बहुत सारे धातुओं के रूप याद हो सकते हैं। मतलब ये संस्कृत में ऐसा है, बाकी किसी भाषा में नहीं, क्योंकि ये निश्चित नियम है, या बदलना नहीं, कुछ बदलता लेकिन यहां नहीं बदलेगा, कम से कम लट आकार में नहीं बदलेगा, बदलता है। जैसे जाने का क्या होता, गम गम धातु, गच्छति गच्छता गच्छन्, गच्छत गच्छता गच्छत, गच्छाम गच्छावा गच्छामः। अब आने का आलवाद आगच्छत आगच्छता आगच्छन, आगच्छत आगच्छता आगच्छत, आगच्छान आगच्छावा आगच्छामः। इस प्रकार से लट लकार का रूप अगर याद हो जाए तो हमें सब प्रकार का रूप याद हो सकता है। अब बंद करो आगे।